for more videos like and subscribe to my channel don't forget to press bell icon हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल आज हम बनाएंगे साउथ का बहुत ही फेमस डिश जो कि है सांभर तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि हमें सांभर बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर हम ले लेंगे दो कप तुअर दाल तुअर दाल को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है वॉश करके इसे हम सोक कर लेंगे साथ ही साथ हम ले, ले लेंगे दो टेबल स्पून सांबर मसाला ये मेरे प्रीवियस वीडियो में आपको बताया सांभर मसाला कैसे बनाते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक भी दे दिया है मैंने यहाँ पर एक बड़ा टुकड़ा हम ले लेंगे गुड़ का जैगरी एक टी हम ले लेंगे हल्दी पाउडर सॉल्ट टेस्ट के हिसाब से लेना है हमें चार से पांच टुकड़े हम इमली के ले लेंगे पीसेस और यहाँ पर मैंने हींग ले लिया है हिंग इसमें काफ़ी यूज़ होगा और ये मैंने ले लिया है आ, सांबार की सांबार में जो सब्जी लगते हैं वेजिटेबल्स वो ले लिया है ये है मद्रासी ककड़ी जिसको बोलते हैं और सांबार में ये स्पेशली डाला जाता है ये मैंने हाँ, थोड़ा सा लेके पीसेस कर लिया है यहाँ पर हम एक टमाटो ले लेंगे जिसे ऐसे पीसेस कर लिए है ये ऑनियन के ऐसे पेटल्स निकाल लिए हाफ ऑनियन के मैंने पेटल्स निकाल लिए थे इसे पीला भोपला बोलते हैं पम्पकिन ये भी मैंने ऐसे पीसेस में कट कर लिया है बड़े बड़े पीसेस में हमें कट कर करना है ये, दे, दे, ये मैंने ले लिया है ड्रम जिसे हम सेंग की फली भी बोलते हैं ये भिंडी ले, ले लेंगे हम भिंडी को इस तरीके से हम कट कर लेंगे ये ऑप्शनल है आपको अगर डालना है तो आप डालिए यहाँ पर हम ब्रिंजौल ले लेंगे ये मैंने ब्रिंजौल को कट नहीं किया है दाल बॉईल होते समय हमें इसे हम कट कर लूँगी अगर अभी मैं कट करके रखी तो ब्रिंजौल जो है ब्लैक हो जाएगा अब हम जो है तुअर दाल बॉईल कर लेंगे तड़के के लिए हम ले लेंगे राई दो टीस्पून राई ले, ले लेंगे हम मस्टर्ड सीड ये पाँच से छः कलिया लहसुन के ले लेंगे लहसुन छिलके रखा है हमने ये लाल सूखी मिर्च ले लेंगे आप कश्मीरी मिर्च भी यूज़ कर सकते हो और ये बहुत सारा कड़ी पत्ता हमें लेना है ये तड़के का मटेरियल है चलिए अब सबसे पहले जो है हम दाल बॉईल कर लेंगे हम एक प्रेशर कुकर ले लेंगे प्रेशर कुकर में दाल ऐड कर लेंगे आप दाल अपने हिसाब से ले सकते हैं आप चाहिए तो कम भी दाल ले सकते हो अगर आपको सांभर पतला चाहिए तो मुझे सांभर थिक चाहिए तो मैंने दो कप दाल ले लिया है इसमें हम दाल देंगे हल्दी एक टीस्पून हल्दी ऐड कर लेंगे और एक टीस्पून स्पून हींग ऐड कर लेंगे दाल में इसमें अब जाएगा पानी मैंने अप्रोक्स वन लीटर के करीब पानी यूज़ किया है इसमें अब हम इसे प्रेशर कुक कर लेंगे दो से तीन विसेलाने तक ये देखिए हमने इसे प्रेशर कुक कर लिया है हम अब इसे ओपन कर लेंगे दाल हमारी जो है बहुत अच्छे से बॉईल हो चुकी है इसे हम थोड़ा सा स्टर कर लेंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए अब हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक दूसरे वेसल में जिसे हमें जिसमें हमें सांबर बनाना है इसमें हम वाटर ऐड कर लेंगे दाल बहुत ही थिक है तो इसके लिए हम इसमें वाटर ऐड कर लेंगे आप जितना चाहे इसमें पानी ऐड कर सकते हो ये देखिए हमने इसमें पानी ऐड कर लिया है अब हम इसे अच्छे से वाटर और दाल को अच्छे से मिक्स करके इसे बॉईल होने देंगे इसमें हम डालेंगे गुड़ गुड़ से ये मीठा नहीं होगा बस एक बैलेंस करेगा टेस्ट अब हम इसमें ऐड करेंगे टैमरिन जिसे हम इमली बोलते हैं टैमरिन ऐड कर लेंगे अब इसमें जाएंगे सारे वेजिटेब आप अपने चॉइस का वेजिटेबल ले लिए ले, लेकिन ये जो है ये सांबर के वेजिटेबल्स है नॉर्मली आपको ग्रॉसरी शॉप में जो वेजिटेबल शॉप में आपको मिल जाएगा सांबर के वेजिटेबल अगर आप बोले तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करके इसे पाँच से दस मिनट के लिए कुक कर लेंगे इसमें हमने सॉल्ट ऐड कर लिया है ये देखिए इसमें बॉईल आ गया है वेजिटेबल्स भी अच्छे सॉफ़्ट हो गए हैं आप देख सकते हो हमें बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है स्मैश नहीं करना है वेजिटेबल्स ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर लेंगे सांभर मसाला आप सांभर मसाला ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कीजिए अगर आपको लगता है कि आपको और ऐड करना है तो आप और ऐड कीजिए सांभर मसाला ऐड करके हम इसे पाँच से दस मिनट के लिए बॉईल होने देंगे ये देखिए हमारा जो सांभर है ये बनकर रेडी है खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें टेस्ट में भी बहुत ही अच्छा बना है चलिए अब हम करते हैं तड़के की तैयारी यहाँ पर जो है हम तड़के का जो पैन है उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे हाफ़ कप जैसी ऑयल गर्म होता है हम इसमें राई ऐड कर लेंगे राई जैसे स्प्लिटर होने लगेगा इसमें हम लहसन डाल देंगे लहसन हल्का सा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम ऐड कर लेंगे लाल सूखी मिर्च लाल सूखी मिर्च का एक अलग ही जायका होता है तड़के में लाल सुखी मिर्च कलर चेंज करने लगेगा हल्का सा तो इसमें हम ऐड कर लेंगे करी पत्ता इसमें करी पत्ता की खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है और मस्त है करी पत्ता सांभर के तड़के में ये देखिए हमारा तड़का रेडी है हम इसे हाफ मिनट के लिए फ्राई होने देंगे ताकि इसका जो भी फ्लेवर है वो आ जाए इसमें अब हम इसको सांभर में ऐड कर लेंगे देखिए हमने जो तड़का है सांभर में ऐड कर लिया है हम लिट कवर कर लेंगे जो सांभर है वो बनकर रेडी है ये देखिए आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए आप इसे डोसे के साथ इडली के साथ स्टीम राइस के साथ सर्व कीजिए ये बहुत ही टेस्टी बनता है इसका जो मसाला है मेरे प्रीवियस वीडियो में है और मैंने उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर लिया आप वह चेक कर सकते हो आप इसी तरीके से सांभर बनाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सांभर कैसे बना है अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो आप लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई चैनल स्टे ट्यून फॉर मोर रेसिपीज़